जाहिल वो लोग हैं कि जो ना तो वो अपने अमल पर खौफ ज़दा होते हैं, ना उनको ये खौफ होता कि मेरा अमल पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला के कबूल है या नहीं, इस चीज़ का भी खौफ नहीं है, ना उनको इस बात की परवाह होती है कि अल्लाह तबारक व ताला जो इसको कबूल करें ना करें, और बल्कि वो ये समझते हैं कि ये अमल हमने अपनी ताकत और कुदरत से किया है। भाई हमने अपने हाथ से कमाया है जो खुदा के रास्ते में दिया, हमने खुद मेहनत की है तो ये मिला सिला, तो गोया कि वो सब चीज़ें अपनी तरफ मंसूब करते हैं, ना तो अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक को शामिल हाल समझते हैं। और वो कहते हैं कि यार तौफीक की क्या बात है, हमने अपनी इरादे और कुव्वत से नमाज पढ़ी है तभी तो हमें अजर मिलेगा ना, ये क्या बात हुई, हम अपनी ताकत और कुव्वत से पढ़े ना और अल्लाह की तौफीक से हो और अल्लाह फिर भी हमें अजर दे। अजर मिली तब रहा है कि तो हम खुद ही कर रहे हैं, इरादा भी हमारा है, कुदरत भी हमारी है, जिस्म जान भी हमारी है, हम अपना सब कुछ खर्च करके कर रहे हैं। लिहाजा उनको ना ये डर होता है कि पता नहीं ये अमल कबूल हुआ या नहीं, ना ये उनको एहसास होता है कि खुदा की तौफीक से है या नहीं, वो कहता नहीं नहीं ये हमारे अपने किए से है, ये जाहिल है, ये मगरूर हैं। मगरूर का मतलब है ये धोखे में है, गरर में है, ये धोखे में पड़े हुए हैं, ये समझते हैं कि मैंने अपनी ताकत से अमल कर लिया, मैंने अपनी ताकत से सदका दे दिया, मैंने अपनी ताकत से ये जब वो नमाज़ पढ़ के दिखा दी, मैंने अपनी ताकत से रोज़ा बर्दाश्त कर लिया, तो ये मगरूर है, ये धोखे में है, कल अल्लाह तबारक व ताला के जब पेश होंगे तो इनका धोखे की हकीकत खुल जाएगी और अल्लाह तबारक व ताला साफ साफ बता देंगे कि ये अमल तुम्हारे नामा अमाल के अंदर नहीं लिखा गया, क्योंकि इस उजब की वजह से, ये जो उजब, ये बड़ाई क्या जी हमने अपनी ताकत से किया है, अजी हमने अपने हाथ की कमाई अल्लाह के रास्ते में दिया, भाई अल्लाह कबूल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, भाई हमने अपने खून पसीने की कमाई से मस्जिद बनाई है, भाई हमारे लिए जन्नत में मकान नहीं बनेगा तो किसके लिए बनेगा, नहीं ये धोखे में है, उनको पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला की तौफीक के बाहर कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की शान और अजमत इतनी बड़ी है, हम की जितनी भी इबादत कर लें, शब रोज सजदे में पड़े रहें, हम अल्लाह तबारक व ताला की अजमत की बिरियाई का हक अदा नहीं कर सकते। इनको हकीकत का पता ही नहीं है, वो सकते हैं हमने खुद किया है। अगर उनसे कोई पूछे ये जिस्म जान जिस जिस्म जान की वजह से तुमने अमल किया, ये जिस्म जान तुम्हें किसने दिया है, क्या तुमने खुद बनाया, ये बनाने वाले ने बनाया है, इस जिस्म जान देने के बाद उस कुव्वत और सेहत किसने पैदा की है, उस दी जिसने ये जिस्म बनाया, उसे इस तुम्हारे अंदर कुव्वत रखी, उसने तुम्हारे अंदर कुदरत रखी, उसने तुम्हारे अंदर इरादा पैदा किया कि यार मुझे जुमे की नमाज़ पढ़नी है, चलो या जुमे, ये इरादा कैसे पैदा हुआ, क्या तुमने खुद पैदा कर लिया, और भी लाखों इंसान हैं वो तो पढ़ते नहीं हैं, उनके दिल में इरादा क्यों पैदा नहीं हुआ, तेरे दिल में इरादा पैदा हुआ, तू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह खुदा की तौहीद का ऐलान कर रहा है, ये कहने का इरादा तेरी ज़बान पे आई है, किसने पैदा किया, हालांकि और भी तेरे जैसे इंसान बल्कि शक्ल व अकल में तुझसे खूबसूरत और ज़्यादा दाना और बीना इंसान भी बसते हैं, वो क्यों नहीं कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के लुत्फ़ ने तुम पर पड़ी कि तुझे अल्लाह तबारक व तआला तौहीद और रिसालत के इकरार की तौफीक अता फरमाए।